खबर हरदा जिले के हंडिया से है, जहां तुरनाल ग्राम में मां नर्मदा व गौनी नदी के संगम पर पांच लड्डू नामक पवित्र धाम स्थित है। बता दें कि स्थान पर भगवान परशुराम जी ने अपने माता पिता का तर्पण किया था, जिसके चलते इस पवित्र धाम को लोक भाषा में पांच लड्डू के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यह पवित्र स्थान सात संभाल के अभाव के चलते उपेक्षित पड़ा हुआ है। इस संबंध में तुरनाल ग्राम के ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा पांच लड्डू वाले इस प्रसिद्ध क्षेत्र को संरक्षित करने की पहल करना चाहिए। वहीं संत राम स्वरूप श्री महाराज का कहना है कि सरकारें अपना काम कर रही हैं, मगर हमें हमारे संत समाज को भी इस दिशा में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सिद्ध क्षेत्र मैया का जो नाभि कुंड तीर्थ क्षेत्र है, जो कि जमदग्नि ऋषि जी की ये तपोभूमि भी है, यहाँ बहुत प्राचीनतम रेणुका माता जी का स्थान भी है और यहाँ प्राचीन गुरुकुल भी है, यहाँ गुरुकुल भी चलता था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक तुरनाल गांव पड़ता है, जहाँ परशुराम जी ने अपने पितरों के प्रति तर्पण किया था। वह स्थान पांच लड्डू के नाम से जाना जाता है, वहाँ मंदिर भी बना हुआ है। नर्मदा जी में जो उन्होंने तर्पण किया था, वह लड्डू पाषाण के हो गए। आज वह पुरातत्व विभाग शायद एक दो बार देखा भी है, कुछ लड्डू साथ में ले भी गए हैं पाषाण के, लेकिन ये जो हंडिया बैराज बन रहा है, इसमें यह स्थान कुछ ही दिनों में जलमग्न होने वाला है। यह हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है और परिक्रमा वासियों के लिए मैं कहूँ, अपने हंडिया और नेमावर से ऊपर का जो दोनों तट का जो मार्ग है, तो एकदम से अवरुद्ध हो चुका है। ऐसा अवरुद्ध हो चुका कि जो भी नर्मदा पथ होना चाहिए वो कहीं भी नहीं है। तो मेरा क्षेत्रीय विधायकों से, नेताओं से ये निवेदन है कि परिक्रमा वासियों के प्रति थोड़ा सा भी भाव रखते हुए, थोड़ा सा भी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये मार्ग बनवाने का प्रयास करना चाहिए उनको। और ये जो हमारे प्राचीन स्थान हैं, जगत जननी पुण्य सलिला माँ नर्मदा मैया के आंचल में जो प्राचीन स्थान है, इनको बचाने के लिए एक मुहिम पुरातत्व विभाग को भी और प्रशासन को भी और क्षेत्रवासियों को भी मिलकर के साथ में करना चाहिए और इन प्राचीन स्थानों को बचा करके अपनी संस्कृति को जीवंत रखना चाहिए।